पूछ रहे हैं कि महिलाओं के भी इस बार इस चुनावी रणभूमि में उतारा जा रहा भाजपा की तरफ से। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं विचार कर सकता हूँ आपके लिए। पार्टी मोर भी है जिनकी बड़ी इच्छा होगी, अगर मेरी को इच्छा करेंगे जाहिर तो वो नाराज हो जाएंगे ना। नहीं नहीं, अगर पार्टी से अगर रश्मि जी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं जी तो मैं विचार कर सकता हूँ। नहीं, महिला और नाराज हो जाएंगे। पहले आप अपना नाराज हो जाएंगे, पार्टी थोड़ी नाराज करेगी अपने कार्यकर्ताओं को। सर ये बताइए, क्योंकि आप एक मजे हुए पत्रकार हैं, तो मैं पत्रकार में मैं चाहता हूँ कि पहले आप हाँ कर दीजिए जी तो हम शुरुआत कर देंगे। ठीक है, चलिए हम हाँ करते हैं। रविंदर रैना जी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कश्मीर की सड़कों पर दिखे, उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर से मुझे प्यार है पर कश्मीर से खून का रिश्ता है। श्री राहुल गांधी जी और श्री खड़गे साहब ने लाल चौक में मज़ेदार आइसक्रीम का लुत्फ उठाया है और फिर स्वादिष्ट भोजन का आनंद किया है। चूंकि मोदी साहब के प्रयासों से अब अमन शांति खुशहाली है, तभी तो राहुल गांधी जी शान से लाल चौक पहुंचे। जब कांग्रेस पार्टी की सरकारें थी तो कभी राहुल गांधी साहब और कांग्रेस के अध्यक्ष लाल चौक नहीं गए कभी, क्योंकि उस जमाने में पत्थर बम बंदूक पिस्तौल गोलियां बरसती थी। आज अमन शांति खुशहाली है। मीर साहब कहते हैं इस बार भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाई दे, 50 पार नहीं बाहर का। क्या कह रहे हैं इस बार नौशहरा से, इस बार नौशहरा से उतर रहे हैं मैदान में सर? वो पार्टी ने तय कर सूची कब जारी कर रही है, पहली बात बहुत जल्द सूची जारी हो। सर सुना जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि नौशहरा सीट से रविंदर रैना को मैदान में उतारा जा रहा है, क्या ये सही है? आपकी भी सर चाहत है वहीं से लड़ूंगे। आप बताइए ना, आप तो पार्टी के अध्यक्ष हैं सर। सर कश्मीर से तो नहीं लड़ेंगे इसमें? बड़ी बड़े खतरनाक सोच से आप कहाँ से लड़ने वाले हैं? ये तो पार्टी तय करेगी। नहीं, जो सूत्र हमें बता रहे हैं रिलायबल सूत्रों की माने, आपके सूत्र बहुत तेज है। तेज हो तभी तो हम पत्रकार हैं सर, ऐसे थोड़ी ना आगे। सर जिस तरीके से अभी वो जम्मू पहुंचे तो कैसे देख रहे हैं सर इसको कि आने वाले समय गठबंधन होगा क्या? चलिए मैं देखता हूं। सर इस बार महिलाएं भी उतर रही हैं क्या? इधर कोई है अंदर हाल में? रविंदर रैना जी इंटरव्यू चल रहा है, जरा रविंदर रैना जी इंटरव्यू चल रहा है, पर यहाँ पर कर लीजिए। जी जी जी, जनता आपको सुन रही है जी, बाद में इधर उधर चल रही है। हम पूछ रहे हैं कि महिलाओं के भी इस बार इस चुनावी रणभूमि में उतारा जा रहा भाजपा की तरफ से। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं विचार कर सकता हूँ आपके लिए। नहीं, पार्टी मोर भी है जिनकी बड़ी इच्छा होगी, अगर मेरी को इच्छा करेंगे जाहिर तो वो नाराज हो जाएंगे ना। नहीं नहीं, अगर पार्टी से अगर रश्मि जी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं जी तो मैं विचार कर सकता हूँ। नहीं, महिला और भी तो है आपकी पार्टी में सर, बाकी महिलाओं की जो पार्टी के साथ है, पहले आप तो नाराज हो जाएंगे। पहले आप अपना नाराज हो जाएंगे, पार्टी थोड़ी नाराज करेगी अपने कार्यकर्ताओं को। सर ये बताइए, क्योंकि आप एक मजे हुए पत्रकार हैं, तो मैं पत्रकार में रिस्पेक्टेड हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी बहनें बड़ी काबिल हैं जो पॉलिटिक्स में आगे आना चाहती हैं, अच्छा उनका भविष्य होगा, उनको आगे मौका दीजिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आप हाँ कर दीजिए जी तो हम शुरुआत कर देंगे। ठीक है, चलिए हम हाँ करते हैं, आप महिलाओं को लाइए सामने। सर नए चेहरों को मौका दे रही है भाजपा, पुराने चेहरों को नहीं ला रही है सर। कहाँ हाल में सर नए चेहरों को मौका मिला है इस बार युवाओं को? युवा नौशहरा सीट से, नौशहरा सीट से सर, सर रविंदर सर कितने नए चेहरे होंगे सर? चलिए हमने रविंदर रैना जी से वो सवाल किया जो कहीं ना कहीं हमारी जो भाजपा की महिला कार्यकर्ता होंगी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है उनकी सुई यही अटकी कि रश्मि जी अगर पार्टी में आ जाए, जनाब रश्मि जी पत्रकार ही अच्छी हैं, बाकी महिलाएं जो काफ़ी सालों से पार्टी के साथ जुड़ी हैं उन्हें मौका दीजिए ना, उन्हें नाराज थोड़ी करना है, क्योंकि वो भी कर्मठ है, वो पार्टी के साथ जुड़ी एक परिवार है। तो कहते चैरिटी बिगन सर दो हूँ, घर से स्टार्ट होती है, बाहर से थोड़ी ना आती है। फिलहाल ये बड़ी खबर जो है, रविंदर रैना जी ने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो बैसाखियाँ यानी सियासत की बैसाखियाँ डूट रही है, और जिस तरह से आप देखते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जी का कल श्रीनगर और जम्मू में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से आज संबोधित करेंगे, और लगातार जो रणभूमि है तैयार यानी कि पूरी तरह रणनीति तैयार करेंगे किस तरह से आने वाले चुनाव में भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा लगातार ये कह रही है 50 प्लस का नारा, वहीं पर विपक्षी लगातार कह रहे हैं इस बार भाजपा 50 पार नहीं बल्कि लखनपुर पार होगी। पर ये निर्णय जो है ये जनता करेगी आने वाले समय में, ये 4 अक्टूबर को होगा फैसला कि जनता किसे नकारती है और किसे सर आंखों पर बिठाती है। फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।